YouTube वास्तव में एक असाधारण मंच है। यह दुनिया भर के रचनाकारों को न केवल अपने विचारों को साझा करने और जनता के साथ काम करने की अनुमति देता है, बल्कि इससे जीविकोपार्जन भी करता है। क्या आप अपना खुद का चैनल शुरू करना चाहते हैं, या शायद आपके पास पहले से ही एक है और आप सोच रहे हैं कि आप अपने शौक को एक स्थिर काम कैसे बना सकते हैं? आइए एक साथ पता करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आइबो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। अब आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं करेंगे। प्रमुख YouTube चैनल अपने वीडियो और काम से लाभ कमाते हैं और यह एक अच्छी रकम है। तो अगर आप गंभीरता से YouTube को अपनी आय का मुख्य स्रोत बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए? सफलता के लिए क्या कदम है? चिंता न करें, हमने आपको कवर कर लिया है। आपको सबसे पहले जो करना है वह है निश्चित रूप से अपना खुद का चैनल शुरू करें। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो YouTube का जादू यह है कि आपका चैनल लगभग कुछ भी हो सकता है। आप छोटे और सार्थक कार्टून गा सकते हैं या अपनी जीवन शैली साझा कर सकते हैं। विकल्प अंतहीन है। आपका YouTube खाता मूल रूप से आपके Google खाते जैसा ही है और आप या तो इसका उपयोग कर सकते हैं या एक नया बना सकते हैं। अपना उपयोगकर्ता नाम सावधानी से चुनना बेहतर है, क्योंकि यह जितना अधिक जटिल होगा इस बात की संभावना उतनी ही कम होगी कि आप इसे बड़ा बना पाएंगे। यह कुछ आसान और यादगार होना चाहिए ताकि लोग यह न कहें कि मैंने उस चैनल पर एक अच्छा वीडियो देखा, भगवान मुझे नाम याद नहीं है। वैसे भी यदि आपका वर्तमान उपयोगकर्ता नाम आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो यह कोई समस्या नहीं है। बस इसे अपने Google Plus खाते में बदलें और आप जाने के लिए तैयार हैं। जितने अधिक लोग आपके चैनल को ढूंढेंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए अपनी चैनल सेटिंग के उन्नत अनुभाग में बोनस टिप के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम YouTube करोड़पति बनने के 7 चरणों के बारे में जानेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने जुनून की खोज करें। आपका पहला चरण 4, YouTube सफलता कुछ ऐसा ढूंढना है जिसके बारे में आप भावुक हैं। हो सकता है कि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप पसंद करते हैं, एक कहानी जिसके बारे में आप उत्साहित हैं, या एक ऐसा कारण जो आपको निकाल देता है। हर सफल YouTube चैनल की शुरुआत दुनिया को कुछ बनाने, तलाशने, सिखाने या दिखाने के जुनून के साथ होती है। वो जुनून आपके काम को मजेदार बनाता है, यह आपके काम को अर्थ देता है और यह आपको एक ऐसा चैनल बनाने के लिए प्रेरित करता है जिसकी आप वास्तव में परवाह करते हैं। क्योंकि अगर आप YouTube करोड़पति बनने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको अपने काम से प्यार करना होगा, अपनी सामग्री पर गर्व करना होगा और आपको अपने समुदाय को संजोना होगा। नहीं तो आपका चैनल कभी धरातल पर नहीं उतरेगा और थोड़ी देर बाद आप थक जाएंगे और आपकी सामग्री को नुकसान होगा। YouTube सामग्री निर्माताओं को अपने जुनून को करियर में बदलने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इसलिए इससे पहले कि आप बड़ा सपना देखें कि आप कितना पैसा कमाने वाले हैं, बस अपनी रुचियों के बारे में सोचें, कुछ ऐसा चुनें जो आपको वास्तव में उत्साहित करे और उस जुनून का उपयोग अपने YouTube करियर को लॉन्च करने के लिए करें। नंबर 2, अपनी जगह बनाओ। क्या आप जानते हैं कि आप किन विषयों में रुचि रखते हैं, लेकिन आप उन जुनून को एक नवोदित YouTube चैनल में कैसे परिवर्तित करते हैं? ठीक है, सबसे पहले उन सभी तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप अपने जुनून को सामग्री में बदल सकते हैं और फिर अपने आप से पूछें कि वो सामग्री भीड़ से कैसे अलग होगी। क्योंकि YouTube सामग्री निर्माताओं के विशाल नेटवर्क के साथ एक विशाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए हर एक मिनट में सैकड़ों और सैकड़ों घंटे के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। लेकिन उनमें से अधिकतर वीडियो कभी भी दिन के उजाले को नहीं देखते हैं, इसलिए एक आला होना इतना महत्वपूर्ण है। आपको अपने जुनून को लेना है और उन्हें कुछ नया और रोमांचक बनाना है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ पागल करना होगा। आपको YouTube पर वीडियो बनाने के अर्थ को फिर से खोजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आपको बाहर खड़े होने में मदद करने के लिए एक जगह की जरूरत है? तो चाहे वह एक मजबूत व्यक्तित्व हो, एक अनूठी कला शैली हो या सिर्फ दिमाग उड़ाने वाली जानकारी हो, आपके चैनल को किसी न किसी चीज के लिए जाना जाना चाहिए। नंबर 3, आपके दर्शकों को संतुष्ट करता है। कई नए कंटेंट क्रिएटर्स यही गलती करते हैं। वे उस सामग्री पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो वे बनाना चाहते हैं। वे अपने दर्शकों के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने कभी आश्चर्य नहीं किया कि उनके वीडियो कौन देखेगा। एक पूर्ण अजनबी जिसके पास चुनने के लिए लाखों वीडियो हैं, वह आपको सुनने में अपना समय क्यों व्यतीत करेगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि यह उत्तर देने के लिए वास्तव में एक कठिन प्रश्न हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आला की तलाश कर रहे हैं तो यह बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि एक अच्छा आला सिर्फ बाहर नहीं खड़ा होता है, यह इस तरह से खड़ा होता है जो दर्शकों को आकर्षित करता है। दिन के अंत में YouTube चैनल को विकसित करने के लिए दर्शक सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं। वे लोग हैं जिनके लिए आप सामग्री निर्माता या वीडियो बना रहे हैं और वे तय करते हैं कि आपका चैनल सफल होता है या नहीं। हाँ, सामग्री को अपनी इच्छानुसार बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में आप अपने चैनल को अपने दर्शक नहीं बनाते या बिगाड़ते नहीं हैं। इसलिए जब आप अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हों, जरा सोचिए कि आपके वीडियो पर किस तरह के लोग क्लिक करने वाले हैं, वे किस प्रकार के लोग हैं,
उन्हें क्या दिलचस्प लगेगा और वे किस तरह की सामग्री देखना चाहते हैं। जब कोई जोखिम लेता है और आपके वीडियो पर क्लिक करता है तो वे उम्मीद कर रहे होते हैं कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। शायद यह हंसी है, शायद यह एक रोमांच है। किसी भी तरह, जितना अधिक आप अपने दर्शकों के बारे में सोचते हैं, उतनी ही अधिक उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। नंबर 4, प्रतियोगिता पर शोध करें। एक बार जब आप अपनी अवधारणा और अपने दर्शकों को परिष्कृत कर लेते हैं तो यह प्रतियोगिता की जांच करने का समय है। देखें कि आप किसके खिलाफ हैं और यह देखें कि आपके जैसे चैनल YouTube पर कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़े से शोध के बाद आपको पता चल सकता है कि लोग वास्तव में इस तरह की सामग्री को उतना पसंद नहीं करते जितना आपने सोचा था कि आप कुछ आश्चर्यजनक कल्पना कर रहे थे, लेकिन व्यवहार में यह थोड़ा निराशाजनक है। इसके लिए कुछ अलग अलग स्पष्टीकरण हैं। सामग्री धीमी या उबाऊ हो सकती है, या हो सकता है कि आपके जुनून का बहुत ही संकीर्ण अनुसरण हो। किसी भी तरह से वे चिंता नहीं करते, हालांकि यह एक मरा हुआ अंत नहीं है। वास्तव में कम भीड़ वाले विषय विकास के महान अवसर हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने प्रतिस्पर्धियों से सीख सकते हैं, यह पता लगा सकते हैं कि उनके लिए क्या काम नहीं कर रहा है और फिर कुछ नया करने का प्रयास करें। दूसरी ओर, आपके आला में आपके विचार से बहुत अधिक भीड़ हो सकती है, कई बड़े चैनल और कुछ कड़ी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन एक बार फिर चिंता न करें। लोकप्रिय विषयों में बड़े समुदाय होते हैं जो हमेशा अपने पसंदीदा विषय पर एक नए स्पिन की तलाश में रहते हैं। इसलिए लोग क्या गलत कर रहे हैं, इस पर शोध करने के बजाय यह देखें कि दूसरे चैनल क्या लिखें, उनकी सफलता से सीखें। अपने चैनल के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए उनकी रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करें। फिर एक बार जब आपका खुद का अनुसरण हो जाए तो अपनी दिशा में जाएं, खुद को प्रतियोगिता से अलग करें और अपने दम पर एक जगह पर कब्जा करें। कई मायनों में अपना YouTube चैनल शुरू करना एक घर बनाने जैसा है। दो घरों में समान नींव और समान तल योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन जब घर खत्म हो जाते हैं तो वे पूरी तरह से अलग दिख सकते हैं। मेरा कहना है, अपनी प्रतिस्पर्धा का अपने लाभ के लिए उपयोग करें, चाहे आप उनके नक्शे कदम पर चलें या उनके नुकसान से दूर रहें। एक छोटा सा शोध लंबे समय तक काम आता है। नंबर 5, साधन संपन्न रहें। शुरुआती चरणों में आप प्रतियोगिता को देख सकते हैं और सोच सकते हैं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? आप उनके उच्च उत्पादन मूल्य, उनके अपलोड की आवृत्ति और उनकी सामग्री की गुणवत्ता देखते हैं। यार, आप भयभीत महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपको उनके मानकों को पूरा करने के लिए उठना होगा। ओह, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे काटते हैं, आपकी सफल प्रतियोगिता में आपसे अधिक संसाधन होने वाले हैं। अरे, वे बड़े हैं और वे लंबे समय से हैं, इसलिए उन्हें अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए उच्च तकनीक वाले कैमरे या माइक्रोफोन जैसी महंगी चीजों की आवश्यकता है। लेकिन सफलता पाने के लिए आपको उन्हीं विलासिता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कई चैनलों ने एक छोटे से बजट पर लाखों व्यूज बटोरे हैं, क्योंकि वे साधन संपन्न नहीं थे और उनके पास जो था उसका उन्होंने उपयोग किया। तो बस बनाए रखने के लिए हजारों डॉलर का भुगतान न करें। आपको अंततः उस नए उपकरण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन एक नए चैनल में बहुत अधिक पैसा डूबने से आपको लंबे समय में नुकसान हो सकता है। नंबर 6, अपने प्लेटफॉर्म का विस्तार करें। आखिरकार, जब आपका चैनल बढ़ना शुरू होता है तो आपको YouTube का विस्तार करना होगा। कई बड़े ब्रांड एक साधारण YouTube चैनल से शुरू हुए और फिर वे अपने ब्लॉग, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ फले फूले। आप देखते हैं कि हर अतिरिक्त मंच विकास की नई संभावनाओं को खोलता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हर तरह के नए दर्शकों तक पहुंचते हैं जिन्होंने कभी आपके वीडियो नहीं देखे होंगे। अन्यथा एक बहुत बड़ा समुदाय हो सकता है जो आपकी सामग्री में बहुत रुचि रखता है, लेकिन YouTube पर अधिक समय नहीं बिताता है। अगर उन्हें आपके वीडियो दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं तो आप दर्शकों के उस नए समूह को सीधे अपने चैनल पर भेज सकते हैं। लेकिन दर्शकों की संख्या ही प्लेटफॉर्म को पार करने का एकमात्र कारण नहीं है। विस्तार आपको अपना ब्रांड विकसित करने की अनुमति भी देता है, क्योंकि एक बार जब आपको सफलता मिल जाती है तो आपको अपनी सारी सामग्री को ले जाने के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय समुदाय के साथ जुड़ने के लिए विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें, अपने चैनल व्यक्तित्व बनाएं और इंटरनेट पर अपनी ब्रांड पहचान को एकजुट करें। नंबर 7, अपने उत्पादन में सुधार करें। ठीक है, मान लें कि आपने कुछ लोकप्रिय वीडियो बनाए हैं और आप अपना ब्रांड विकसित करना शुरू कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि काम खत्म हो गया है? मैं एक लंबे शॉट से नहीं हूँ। किसी भी सफल व्यवसाय की तरह YouTube को निरंतर सुधार की आवश्यकता है। आपको प्रगति करते रहना है, लिफाफे को आगे बढ़ाना है और अपने चैनल को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके तलाशने हैं। ऐसा क्यों है? खैर, क्योंकि YouTube सगाई और मनोरंजन के इर्द गिर्द घूमता है। यदि आप वापस बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो आपकी सामग्री बासी हो सकती है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि उन्होंने आपका हर वीडियो देख लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से दर्शक देखना बंद कर देंगे और आपका सपना धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से नाले में डूब जाएगा। तो YouTube पर प्रगति कैसी दिखती है? आप अपने चैनल को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? सौंदर्य शास्त्र एक महान उदाहरण है।
कई YouTube चैनल अद्भुत सामग्री प्रकाशित करते हैं, उनके पास एक अच्छा संदेश है और वे अपने दर्शकों का मनोरंजन करना जानते हैं। लेकिन उनका अंदाज पुराना लगता है, उनके पास कोई लोगो या रंग योजना नहीं है, इसलिए लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें वह लोकप्रियता नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। अब बेशक सौंदर्य सुधार आपके चैनल को बेहतर बनाने का एक तरीका है। अधिक के लिए इस सूची की शुरुआत में वापस जाएं, चरण एक से शुरू करें और इन 7 चरणों को बार बार चलाएं, रास्ते में प्रत्येक बॉक्स को चेक करें। अरे, सुनिश्चित करें कि आप ऐसी सामग्री बना रहे हैं जिसके बारे में आप भावुक हैं कि आप अपने आला की खोज कर रहे हैं और आप अपने दर्शकों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। फिर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कुछ समय निकालें। पहले की तरह अपने आप से पूछें कि वे क्या सही या गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नई तरकीबें अपना सकते हैं। इसके बाद अपनी ब्रांड पहचान को निखारें और अपने ब्रांड को कई प्लेटफार्मों पर मजबूत करें। सोशल मीडिया की दुनिया में आप हमेशा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए दुनिया को अपनी सामग्री दिखाने के लिए नए रास्ते खोजें। अंत में प्रत्येक चक्र के अंत में सुनिश्चित करें कि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिस पर आपको गर्व हो, क्योंकि हर बार जब आप इन 7 चरणों को धोते हैं और दोहराते हैं तो आपका चैनल बढ़ेगा, बदलेगा और अनुकूल होगा। आप नए लोगों के साथ बातचीत करेंगे और नए समुदायों में प्रवेश करेंगे और एक व्यवसाय के रूप में अपनी पहचान बदलेंगे। लेकिन उन सभी परिवर्तनों के बावजूद आपने जो बनाया है उस पर आपको हमेशा गर्व होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आप YouTube करोड़पति बनने की राह पर हैं। अंत तक प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा कि यह आपके लिए एक बोनस है। अब जब आपके पास अंततः एक YouTube चैनल है तो अपनी सामग्री पर काम करने और उसे अपलोड करने का समय आ गया है। आपको अपने खुद के विषय खोजने होंगे और अपनी अनूठी शैली की खोज करनी होगी। कोशिश करें कि आपके वीडियो बहुत लंबे न हों और हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके दर्शक बोर न हों। आप चाहते हैं कि वे इसके हर सेकंड में दिलचस्पी लेते रहें। बेशक तुरंत कुछ नहीं होता है और आपके वीडियो और उनकी गुणवत्ता आपके साथ बढ़ेगी। लोकप्रिय यूट्यूबर्स द्वारा पहले कुछ वीडियो देखें, वे बिल्कुल उतने अद्भुत नहीं हैं जितने वे अभी करते हैं, है ना? अच्छी तरह से एक बेहतर कैमरा द्वारा अपनी सामग्री को अपग्रेड करने का प्रयास करें, बेहतर संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और इसी तरह। हालांकि मुख्य बात नियमित रूप से वीडियो पोस्ट करना है। यदि आप महीने में केवल एक या दो बार वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपके दर्शक आपके चैनल के बारे में जल्दी से भूल सकते हैं। यदि यह किसी एक तरह की सामग्री नहीं है तो सप्ताह में कम से कम एक वीडियो की गति बनाए रखने का प्रयास करें। इस तरह लोग आपका नया वीडियो क्या होगा यह जानने के लिए अगले सप्ताह का बेसब्री से इंतजार करेंगे। और टैग और कीवर्ड के बारे में मत भूलना। सुनिश्चित करें कि विषय में रुचि रखने वाले सभी लोग आपके वीडियो ढूंढ सकें। और यहीं से यह सब शुरू होता है।